तो लोग नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? कीटामनी वोल्केनो वहीं जा रहा है। उससे पहले हमने कहा है उन्हें एक इंडियन रेस्टोरेंट पे रुकने के लिए जहाँ हम लोग बढ़िया सा इंडियन खाना खाएंगे। तो गाइस हम लोग अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और हम लोग चलते हैं कुछ इंडियन फूड खाने के लिए। गोवा गिजान्यार बाली, ये शायद मार्केट है कोई। और ये रहा हम लोग को, ये मार्केट है अवेलेबल नाउ इंडियन फूड, और यहाँ मिलेगा हम लोग को इंडियन फूड। तो ये है एंट्रेंस। हेलो, ये है हमारा रेस्टोरेंट का रास्ता, चलिए चलते हैं। और ये मैम हमें गाइड कर रही, ये हम हमारे गणेश जी का आइडल है। ये लीजिए, आप ही खाइए, देखिए टेस्ट करिए कैसा है। यहाँ आ गया है हमारा खाना, तो यही है आज का मेन्यू। सो लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? चलिए कहाँ? किटीमान वोल्केनो टू किटीमानी वोल्केनो। ओके, हम लोग उतर चुके हैं किटीमानी वोल्केनो देखने के लिए। ठंड है यहाँ पे तो थोड़ा ठंड है। A bit cold is here. I'm feeling cold. यहाँ पे ठंड है थोड़ा, हमें ठंड महसूस हो रहा, फील हो रहा है। चलिए रोड क्रॉस कर, रुकिए रोड क्रॉस करते हैं। यही है किटामानी वोल्केनो। कह रहे हैं कि ये अभी भी एक्टिव है, इसमें से अभी भी लावा निकलता है। यही है वो किटामानी वोल्केनो। और यहाँ पे अभी बहुत ठंड है और यहाँ पे अभी के टाइम में बहुत ठंड है, हमें बहुत ठंड लग रहा है। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगा, हमें सच में बहुत ठंड लग रही है। और ये जो वोल्केनो है, ये कह रहे हैं कि ये अभी भी एक्टिव है। ये जो ब्लैक ब्लैक एरियाज जो दिखाई दे रहे हैं वो लावास के ही स्पॉट्स हैं। और ये देखिए यहाँ पे फॉग है अभी भी ठंड के वजह से। और ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है दिखने में। और ये एकदम रास्ते से यहीं से सब लोग ज्यादा करके देखा करते हैं, मेन रोड है ये रोड है। तो गाइस हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ठंड पड़ेगा। और ये देखिए ये जगह जो है, यहाँ पे सब वो किटीमानी वोल्केनो देखने ही आते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने घूम लिया, चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ। कहाँ चलना है अब नेक्स्ट? चलिए वो आप कहाँ लेके जाते हैं, उबुद वैली ना क्या बताया उन्होंने, याद नहीं है मेरे को। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सब कहाँ जाते हैं। आप लोगों ने सोचा पहले हम लोग कोकोनट वाटर पी लेते हैं उसके बाद जाते हैं, बट यहाँ पे इतना ठंड है क्या बताएं, सब बहुत ठंड लग रही है। के लिए भी हमें रेस्टोरेंट के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए वो कोकोनट कट कर रहे हैं और यहाँ का कोकोनट जनरली इंडिया से साइज में बहुत ही बड़ा है।
कहाँ बैठते हैं? जिस रेस्टोरेंट में आए हैं वहाँ से इसका व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत करीब से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। थैंक यू। आ गया कोकोनट, ये देखिए कोकोनट वाटर आ गया है। आइए सस्ता में मिल रहा है क्योंकि होटल में हमें ये 10,000 रुपया में मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये 1500 ml का है, ये यहाँ पे 5,000 रुपये के करीब में मिल रहा है। जो होटल में हमें मिलता है वो एकदम छोटा वाला बॉटल 10,000 में मिलता है। हाँ, तो हम लोग सोचे यहीं से ले लेते हैं और ये है यहाँ का मॉल। तो गाइज ये ब्लॉग यहीं पर एंड होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी के लिए बाय बाय।